हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ेंगे जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का नंबर वन है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और उसका ये पार्ट वन वीडियो है, ठीक है। और अगर प्रॉपर जेआईबी का कोर्स करना चाहते हैं, ऊपर फोन नंबर भी दिया हुआ है, इस फोन नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स ऑलरेडी डाला हुआ है, वहां भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या, ये थोड़ा समझने का कोशिश करें। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है ये थोड़ा समझिए। तो फाइनेंशियल सिस्टम हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरीका होता है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, एक तरीका होता है जहां पे जरूरत, जैसे पहले समझिए इकोनॉमी है, उसे पहले समझिए। अच्छा, इकोनॉमी को मारिए होली, पहले फाइनेंशियल सिस्टम समझिए। फाइनेंशियल सिस्टम में कई तरह के सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमी सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में बोलता है, सॉरी फाइनेंशियल सिस्टम में बोलता है कि यहाँ पे हम लोग मोबिलाइज करते हैं सरप्लस कैपिटल को, जो जरूरत से ज्यादा पैसा किसी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में है, ठीक है, किसी भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में है, वहां से निकाल लेते हैं और हम किस पर डाल देते हैं, वहां डालते हैं जो कि नीडी सेक्टर्स होता है। नीडी यानी उसको पैसे की जरूरत होती है, तो हम वहां पे पैसा एलोकेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सेम नीडी सेक्टर्स को। ये हो गया पहली बात, ये बात को पहले लिख लीजिए, लिखते चलेंगे ना ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला क्या हो गया कि हम लोग यहां मोबिलाइज करते हैं सरप्लस कैपिटल को, सरप्लस कैपिटल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को, ठीक है, और एलोकेट करते हैं एंड एलोकेट, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू, एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू वेरियस नीडी सेक्टर्स। ठीक है, तो यहां आप क्या कर रहे हो, मोबिलाइज कर रहे हो सरप्लस कैपिटल को, ठीक है, उसे एलोकेट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो नीडी सेक्टर्स को, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल सिस्टम में एक फायदा ये होता है कि पैसा जो होता है उसको, जो सेविंग्स होते हैं ना आपको, उसको चेंज कर देता है, यानी ट्रांसफॉर्म करता है, क्या चीज में, या तो इन्वेस्टमेंट में कर देगा या कंजम्पशन में कर देगा। इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया चाहे लोन दे दे, चाहे मार्केट प्लेस में लगा से शेयर मार्केट, डिविडेंड, शेयर मार्केट, गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद ले, ठीक है, या यूज करे अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए बैंक, ठीक है। तो ये हो गया कि ट्रांसफॉर्म करता है सेविंग को इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में, ये दूसरी पॉइंट है। बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ऑफ सेविंग्स इंटू इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन में। फिर इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बैंक, FI, ये सब हो जाएगा। यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में। फिर एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं बैंक्स, सॉरी एग्जाम्पल बोल के लिखिए, कौन कौन हो जाएंगे फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट। फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक आ जाता है, FI आ जाएगा, FI का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके। अब आइए, क्या रोल होता है, फंक्शन होता है आरबीआई का। आरबीआई का बेसिकली दो मेजर रोल है, वो हम लोग लिखेंगे, रोल एंड फंक्शन। तो पहला पर लिखे रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो हम यहां पे दो ही रोल मानते हैं, क्या है, दो रोल्स है, तो टू रोल्स है, ठीक है, इसमें रोल्स ही लिखिए ना, फंक्शन हटाइए, ठीक है। अब बोल सकते हैं कि टू रोल्स है, क्या है रोल्स आरबीआई का, तो पहला मॉनिटरी कंट्रोल है और दूसरा है आपका बैंक का सुपरविजन करना। तो पहले मॉनिटरी कंट्रोल पाइए,
मॉनेटरी कंट्रोल, मॉनेटरी मतलब पैसे को कंट्रोल करना, तो भाई ये सीधा तरीके से तो होगा नहीं, मॉनेटरी कंट्रोल में आ जाएगा पैसे को जब कंट्रोल करने की बात हो रही है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेपो रेट, ये सब आता है। ठीक है, तो मॉनेटरी कंट्रोल में बहुत सारे टूल्स होते हैं, इसके लिए टूल्स होते हैं बहुत सारे, उससे मैं कुछ टूल्स का नाम बता रहा हूं, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट्स, ये हो गया पहला काम। तो दूसरा काम क्या हो जाएगा, बैंक को सुपरवाइज करना, यानी बैंक सुपरविजन, ये इनका दूसरा बड़ा काम हो गया। ठीक है, ओके, बैंक को सुपरविजन मतलब आरबीआई यहां पे क्या करेगी, आरबीआई का काम है मॉनिटर करना, गाइड करना, डायरेक्शन देना, स्टेप्स लेना रेमेडी का, कुछ प्रॉब्लम में फंस जाता है तो सॉल्यूशन देंगे ना, उसके बाद लाइसेंस देते हैं आपको, लाइसेंस से संबंधित है, देना ले दे भी सकते हैं तो ले भी सकते हैं, दोनों चीजें हैं, सारी बातें आप इसमें लिख लीजिए। फिर आइए कॉमर्शियल बैंक, क्या समझते हैं आप इसे, पब्लिक का पैसा ले सकती है और लैंड कर सकती है पब्लिक को, ठीक है, या नेडी लोगों को, इसमें कौन कौन आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है कि एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक और लैंड करना एंड लैंड मनी टू पब्लिक, पब्लिक से पैसा है ना, पब्लिक को ही पैसा देना, बट वो लैंड करना यानी लोन देना, लैंड का मतलब क्या है, ये लोन। ठीक है, ये बेसिक काम है। अब इसमें कौन कौन से चीज आ जाएंगे, इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी पब्लिक पीएसबी क्या हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाएगा, फॉरेन बैंक आ जाएगा, फिर आ जाएगा ओल्ड एंड न्यू जनरेशन, ओल्ड एंड न्यू प्राइवेट, सॉरी ओल्ड एंड न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे एनबीएफसी के ऊपर, इसका क्या फुल फॉर्म है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं इसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हम लोग इसको बोलते हैं। भाई देखिए, एनबीएफसी का काम करना जिसके लिए लाइसेंस लगता है और आरबीआई लाइसेंस दे सकता है, ठीक है, पहली बात तो आप बोल सकते हैं रिक्वायर्स वैलिड लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, दूसरा हो जाएगा इसका काम क्या है कि पब्लिक से पैसा राइज कर सकती है, तो ये इसको जरूरी है, तो अगर इसको लगता है कि मुझे पैसा चाहिए तो पब्लिक से पैसा राइज करवा सकती है, राइज ले सकती है, आर required to raise deposits from public,
तीसरा हो जाएगा कि ये लैंड करती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं जिसके हेल्प से लैंडिंग का भी काम करती है, लैंडिंग मतलब लोन देती है, जैसे लीजिंग, हायर परचेज, बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो लैंड्स मनी थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लीजिंग, हायर परचेज, बिल डिस्काउंट। ठीक है, सारा कोर्स यहाँ पे जेबी के दो तरह के प्रोग्राम है हमारे पास, अगर आप कोर्स करना चाहें तो कर सकते हैं। एक है पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स जो भी आप देख रहे हैं, दूसरा जेबी का फेस टू फेस कोर्स जहाँ मैं वीडियो बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ। ये कोर्स सीधी सी बात है, आप जो कर रहे हैं ये कोर्स बेस्ट कोर्स है, ठीक है। और ये कोर्स करने का मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम में ही पेपर क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आता, और बहुत ही डेप्थ में इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और नेचुरल सी बात है, ये बहुत ही पावरफुल कोर्स आप कर रहे हैं और ज़्यादा सेलिंग वाली चीज़ है। दोनों जगह कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह कैसे स्टडी का वीडियो, यहाँ 6000 क्वेश्चन मिलेंगे, 3500 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर वन प्रिंसिपल्स की बात करें, 600 रुपये दाम है, यहाँ 1200 रुपये दाम है। अकाउंटिंग की बात करें, 800 रुपये दाम है, यहाँ 1500 रुपये दाम। लीगल की बात करें, 600 रुपये दाम है, 1200 रुपये दाम है। तीनों पेपरों को मिला के करेंगे, इस दाम 1500 रुपये, इसका दाम यहाँ पे 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर है 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcmstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, ठीक है। थैंक यू।